सरकार ने भीषण गर्मी के कारण राज्य के सभी निजी स्कूल को 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू करने के आदेश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन ने निजी स्कूल को कहा कि अप्रैल में विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार अगर 2 मई से स्कूलों में छुट्टी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को जैन के हवाले से कहा कि निजी स्कूलों को अब छात्रों के हित में स्कूल भवनों में कक्षाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि छात्र भीषण गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं। कोलकाता में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिली है, वहीं दक्षिणी अंडमान सागर पर निम्न दाब क्षेत्र बनने से संभावित चक्रवाती तूफान आसानी के मद्देनजर मुख्य सचिव एसके चक्रवर्ती ने शुक्रवार को 99 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मेडिकल टीम एनडीआरएफ टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हालात से निपटने को अधिकारियों को तैयार रहने को कहा गया। उधर अलीपुर मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान में अगले 48 घंटों में कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अलीपुर मौसम कार्यालय ने भविष्यवाणी की है कि शनिवार से दक्षिण बंगाल में आंधी के साथ बारिश का असर कम होगा। शनिवार तक उत्तर बंगाल के 5 जिलों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। पहुंच जाएगा इस दौरान कई राज्यों में 45 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। वहीं तूफान के कारण कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।